नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वन इंडिया में। भारत और मेजबान ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर चार मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला जारी है। रविवार 10 जनवरी को मुकाबले के चौथे दिन का खेल समाप्त हुआ। ऑस्ट्रेलिया टीम ने अपनी दूसरी पारी में 87 ओवर में 5 विकेट खोकर 312 रन बनाए और इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया टीम ने 406 रनों की बढ़त हासिल की। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने पारी की घोषणा कर दी। ऐसे में भारत को जीत के लिए 407 रनों का टारगेट मिला। भारत ने अपनी दूसरी पारी में एक बार फिर शानदार शुरुआत की। जी हां, शुभमन गिल और रोहित शर्मा की जोड़ी ने एक बार फिर शानदार शुरुआत दिलाते हुए पहले विकेट के लिए 71 रन जोड़े। शुभमन गिल 64 गेंदों पर 31 रन बनाकर पारी के 23वें ओवर में जॉस हेजलवुड का शिकार हुए। जॉस हेजलवुड ने टिम्पन के हाथों कैच आउट कराकर शुभमन गिल को वापस पवेलियन भेजा। इसके बाद रोहित शर्मा ने पुजारा के साथ एक पार्टनरशिप करने की कोशिश की। इस दौरान रोहित शर्मा ने शानदार 50 जड़ा। हालांकि रोहित शर्मा 50 जड़ने के बाद दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 98 गेंदों पर 52 रन बनाकर पैट कमिंस का शिकार हो गए। रोहित शर्मा ने अपनी पारी में 5 चौके और 1 छक्का लगाया। टीम इंडिया को पहला झटका पारी के 23वें ओवर में लगा था जब टीम का स्कोर 71 रन था। वहीं दूसरा झटका पारी के 31वें ओवर में लगा जब टीम का स्कोर 92 रन था। इसके बाद चेतेश्वर पुजारा और कप्तान अजिंक्य रहाणे ने दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया को और कोई झटका लगने नहीं दिया। टीम इंडिया ने 34 ओवर में 2 विकेट खोकर 98 रन बनाए हैं। टीम इंडिया को 5वें दिन सिडनी टेस्ट मैच जीतने के लिए 309 रन बनाने हैं। आपको बता दें, चौथे दिन का जब खेल शुरू हुआ तो ऑस्ट्रेलिया के लिए मानस लाबुशेन और स्टीवन स्मिथ ने पारी की शुरुआत की। ऑस्ट्रेलिया की लीड 197 रनों की मैच के तीसरे दिन ही हो गई थी। मैच के चौथे दिन मानस लाबुशेन 118 गेंदों पर 73 रन बनाकर नवदीप सैनी की गेंद पर आउट हुए। इसके बाद स्टीवन स्मिथ ने एक शानदार 50 जड़ा और 167 गेंदों पर 81 रन बनाकर अश्विन का शिकार हुए। स्टीवन स्मिथ ने अपनी पारी में 8 चौके और 1 छक्का लगाया। इसके बाद निचले क्रम में बल्लेबाज कैमरून ग्रीन ने भी 132 गेंदों पर 84 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिससे ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 6 विकेट खोकर 312 रन बनाए और फिर पारी घोषित कर दी। अब बता दें, जहां नवदीप सैनी को 2 विकेट मिले, वहीं अश्विन ने भी 2 विकेट निकाले। इसके अलावा बुमराह और सिराज को 1-1 विकेट मिला। वहीं दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी की बात करें तो जॉस हेजलवुड को 1 विकेट मिला। इसके अलावा पैट कमिंस को भी 1 विकेट मिला। अब टीम इंडिया को 5वें दिन 309 रन बनाने हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 8 विकेट हासिल करने हैं। टीम इंडिया के लिए एक बेहद मुश्किल लक्ष्य है अब सारा दारोमदार चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे के कंधों पर है, क्योंकि दूसरी इनिंग में जडेजा नहीं बल्लेबाजी करेंगे। इसके अलावा पंत को भी गहरी चोट लगी है और वो किस हद तक बल्लेबाजी कर पाएंगे ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहे वन इंडिया के साथ।